आज का टॉपिक है ऑफ एंड ग्राइंडिंग मशीन। पूरी जानकारी करने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। ऑफ एंड ग्राइंडिंग मशीन क्या है पहले जान लेते हैं। ऑफ एंड ग्राइंडिंग इज द टर्म यूज इन इंजीनियरिंग टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर द वर्क इज हेल्ड बाई हैंड एंड मटेरियल इज रिमूव यूजिंग एन एब्रेसिव व्हील। ऑफ एंड ग्राइंडिंग इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जिस काम को करते हैं वो बाय हैंड किया जाता है। एब्रेसिव जो व्हील होता है वहाँ पे मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम लोग बाय हैंड काम करते हैं, इसे हम लोग ऑफ हैंड ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। टाइप्स ऑफ हैंड ग्राइंडिंग मशीन, दो टाइप्स के हैंड ग्राइंडिंग मशीन जो होते हैं, पहला होता है वो है हमारा पेडेस्टल ग्राइंडिंग फ्लोर टाइप और जो दूसरा है बेंच टाइप, ठीक है। पेडेस्टल ग्राइंडर दिस कंसिस्ट ऑफ ए हैवी बेस सपोर्टिंग ऑफ द मोटर। द स्पिंडल इज ड्रिवन बाय बेल्ट ऑन ईच एंड ऑफ स्पिंडल द ग्राइंडिंग व्हील आर फिक्स्ड। पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है इसका जो बेस होता है, ये जो बेस है बेस के यहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है, सपोर्टिंग मोटर रहता है। द स्पिंडल इज ड्रिवन बाय बेल्ट, इसका जो स्पिंडल होता है मोटर का जो स्पिंडल होता है, ये जो यहाँ पे स्पिंडल रहता है मोटर का, मान लीजिए ये मोटर है इसका स्पिंडल ये है, तो ये स्पिंडल से ये जो होता है ग्राइंडिंग का जो व्हील होता है ये बेल्ट के द्वारा कनेक्ट रहता है, ठीक है। बेल्ट द्वारा ये कनेक्ट होता है। द स्पिंडल इज ड्रिवन बाय बेल्ट ऑन ईच एंड ऑफ स्पिंडल द ग्राइंडिंग व्हील्स आर फिक्स्ड। इसमें बेल्ट के द्वारा ये ग्राइंडिंग व्हील फिक्स किया रहता है। पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किसी कास्टिंग पर बनी बर्स को दूर करने तथा टूल की धार लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग फाउंड्री शॉप या वेल्डिंग शॉप में भी किया जाता है, ठीक है। इसके दो व्हील लगे रहते हैं जिसको एक तरफ जो इसका जो ग्रेड होता है रफ ग्रेड होता है और एक फाइन ग्रेड होता है। ये दूसरा है हमारा ब्रेंच ग्राइंडर, पहला था पेडेस्टल ग्राइंडर, दूसरा है हमारा बेंच टाइप ग्राइंडर, ठीक है। ए बेंच ग्राइंडर में बी माउंटेड डायरेक्टली ऑन ए बेंच और ऑन द स्टैंड फिक्स्ड टू द फ्लोर। ये जो होता है बेंच ग्राइंडर, ये बेंच पे किसी भी ब्रेंच पे इसको हम लोग माउंटेड किया रहता है या फिर स्टैंड के द्वारा माउंटेड किया रहता है। इसका जो व्हील है, व्हील जो एब्रेसिव व्हील है वो डायरेक्टली मोटर के स्पिंडल के साथ, देख ये मोटर के स्पिंडल के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। लेकिन पेडिस्टल में क्या होता है वो मोटर बेल्ट के द्वारा, मोटर का जो स्पिंडल होता है वो बेल्ट के द्वारा व्हील में एडजस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बेंच ग्राइंडर है यहाँ पे डायरेक्टली मोटर का जो स्पिंडल है, सेफ्ट जो होता है मोटर का, उसके साथ ये एब्रेसिव व्हील जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। इसके एक तरफ भी इसमें भी सेम एक जो होता है कोर्स ग्रिड का व्हील रहता है और दूसरे तरफ ये फाइन ग्रिड का रहता है व्हील रहता है। अब है ग्राइंडिंग व्हील एलिमेंट्स, जो ग्राइंडिंग व्हील जो किस तत्वों से मिश्रण होके बना हुआ होता है, तो पहला है एब्रेसिव और दूसरा होता है बॉन्ड। तो पहले एब्रेसिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एब्रेसिव, द टू टाइप्स ऑफ एब्रेसिव यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आर, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का एब्रेसिव हम लोग मैन्युफैक्चर व्हील, ग्राइंडिंग व्हील मैन्युफैक्चर के लिए दो टाइप का हम लोग एब्रेसिव यूज़ करते हैं। पहला जो है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, द एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्राइंडिंग व्हील्स आर सूटेबल फॉर ग्राइंडिंग हाई टेंसाइल टग मटेरियल एंड ऑल टाइप ऑफ स्टील, ग्राइंडिंग ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, कास्ट स्टील और हाई एजेस आयरन। ये सब हम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील जो होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो बना हुआ व्हील होता है एब्रेसिव से, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन कार्बाइड है, तो इसका जो कलर होता है वो, इसका जो कलर होता है वो बादामी रंग का होता है। ये हमारा जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव जो है ये बादामी कलर का होता है, इसको आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं। मेन जो होता है एब्रेसिव दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में जो होते हैं हमारे करंडम, एमरी, ये सब है जो
एल्युमिनियम ऑक्साइड का अशुद्ध रूप है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल एब्रेसिव है, और जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है वो हमारा है एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारा आर्टिफिशियल ऑक्साइड आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड ये दूसरा हम आपको बता रहे हैं। द सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज टू ग्राइंड हार्ड मटेरियल सच एज स्टोन और सिरामिक, नॉन फेरस मटेरियल एंड अदर नॉन फेरस मटेरियल, ग्राइंडिंग मेटल ऑफ लो स्ट्रेंथ। इस एब्रेसिव में हम लोग हार्ड मटेरियल, जैसे हार्ड जो मटेरियल होता है जैसे स्टोन, सिरामिक, नॉन फेरस मेटल का हम लोग यूज़ करते हैं। नॉन फेरस मटेरियल्स इसमें ग्राइंडिंग मटेरियल ऑफ लो स्ट्रेंथ, इसका जो मटेरियल होता है लो स्ट्रेंथ का होता है, ठीक है। इसको चलिए देख लेते हैं पिक्चर में। ये हरे रंग का पाया जाता है, हल्का जो हरे कलर का इसको पहचानते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है जो हरे रंग का पाया जाता है। हर एब्रेसिव व्हील पे जो ये कौन सा एब्रेसिव का है इसके वहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है। इस एरिया पे मार्क किया मिल जाएगा आपको कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का है या सिलिकॉन कार्बाइड का है, इससे अब भी आप पहचान सकते हैं। एब्रेसिव व्हील का जो एलिमेंट होता है, पहला जो एब्रेसिव वो तो ख़त्म हो गया, दूसरा है हमारा ये बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो एब्रेसिव पार्टिकल्स इन द ग्राइंडिंग व्हील आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉल्ड द बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है, ठीक है, बॉन्ड जो होता है क्या करता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो ब्लैक कलर का दर्शाया गया ये बॉन्ड है, और ये जो वाइट कलर का जो दर्शाया गया एब्रेसिव पार्टिकल्स है, ये एब्रेसिव पार्टिकल्स को बॉन्ड जो होता है जोड़ के रखता है, ठीक है, इसको मतलब बांध कर रखता है ये एब्रेसिव को, जिसके कारण ये मिल के एक ये व्हील की संरचना होती है, व्हील का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। बोला ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ ए हार्ड एब्रेसिव ग्रेन कॉल्ड ग्रिड्स। जो अब ग्रिड्स क्या होता है देख लीजिए, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो कंसिस्ट जो हार्ड एब्रेसिव ग्रेन होता है उसको हम लोग ग्रिड्स कहते हैं। विच परफॉर्म द कटिंग ऑफ मटेरियल रिमूवल हेल्ड इन द वीक बॉन्डिंग मैट्रिक्स। ये बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है, जो ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर बांध कर रखता है। जैसे ये बॉन्ड है ये हमारा एक फेविक्विक जैसा काम करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को उसको चिपका कर रखता है, जिससे ये व्हील की संरचना, व्हील का जो ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। बॉन्ड क्या है आप लोग समझ गए होंगे। बॉन्ड कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बॉन्ड ऐसे बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे रबर बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रेजिनाइट बॉन्ड, सिलिक बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है, सिलिकेट बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक बॉन्ड, ये तरह तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड क्या है। विट्रीफाइड बॉन्ड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिजिड ग्राइंडिंग व्हील दैट आर नॉट इफेक्टेड बाई वाटर इज सीड और नॉर्मल टेम्परेचर चेंज। इफेक्टेड बाई वाटर इज सीड और नॉर्मल टेम्परेचर चेंजेस मोस्ट ऑफ द एब्रेसिव व्हील आर प्रोड्यूस्ड विथ विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड की जो पैरासिटी है तथा सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ जो है, पैरासिटी और स्ट्रेंथ अधिक होती है। इस प्रकार के व्हील की स्टॉक हटाने की दर को अधिक हो जाती है तथा यह साधारण तापक्रम नॉर्मल टेम्परेचर तथा स्थितियों में यह जैसे वाटर, ऑयल, एसिड, इससे ये बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये विट्रीफाइड बॉन्ड को हम लोग ज़्यादातर वर्कशॉप में सिलिकेट बॉन्ड प्रोड्यूस ए व्हील विथ ए माइल्डर कटिंग एक्शन देन ए विट्रीफाइड बॉन्डेड व्हील लार्ज डायमीटर व्हील हैव ए सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड जो होता है वो विट्रीफाइड व्हीलों की तुलना में सिलिकेट व्हील नर्म कार्यों यानी जो सॉफ्ट वर्क के लिए प्रयोग में किया जाता है तथा ये कम कठोरता के साथ काटते हैं। इसकी वजह से इसका प्रयोग कटलरी तथा फाइन एज टूलों आदि की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। जो सॉफ्ट मटेरियल है ये सिलिकेट बॉन्ड व्हील का यूज़ किया जाता है। तीसरा है ऑर्गेनिक बॉन्ड। ऑर्गेनिक बॉन्ड जो उसमें से आता है रेजोनाइट, रबर, वैकेलाइट, सेलेक, ये सब जो बॉन्ड आता है
रबर बॉन्ड व्हील के जिस भाग पर फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग कटिंग में रबर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। रेजोनेट बॉन्ड है वो इस बॉन्ड का प्रयोग हाई स्पीड व्हीलों के लिए किया जाता है। ऐसे व्हील का प्रयोग फाउंड्री में ड्रेसिंग और कास्टिंग के लिए किया जाता है। कटिंग ऑफ पार्ट्स के लिए भी रेजोनेट बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। यह बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है। सेलेक्ट बॉन्ड जो है इस बॉन्ड का प्रयोग भारी कार्यों में हैवी ड्यूटी तथा बड़े व्यास वाले व्हीलों पर अधिक फिनिशिंग के लिए ये सेलेक्ट बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री ऑफ बॉन्ड जो होता है ये डिग्री ऑफ बॉन्ड ये क्या होता है, द डिग्री ऑफ बॉन्ड डिटरमाइंस वेदर द एब्रेसिव ग्रेन आर हेल्ड लाइकली और फर्मली। जो डिग्री ऑफ बॉन्ड किसे कहते हैं, जब बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन को लाइकली यानी कम मात्रा में और या फैमिली यानी ज़्यादा मात्रा में यह पकड़ा रहता है, इसको हम लोग डिग्री ऑफ बॉन्ड के द्वारा समझते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो सॉफ्ट बॉन्ड है उससे हम लोग हार्ड मटेरियल कटिंग होता है और जो हार्ड बॉन्ड है उससे सॉफ्ट मटेरियल कटिंग होता है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डिग्री ऑफ बॉन्ड हम लोग तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ये जो सॉफ्ट बॉन्ड, मीडियम बॉन्ड और यह है हार्ड बॉन्ड, ठीक है। ये अल्फाबेटिक नंबरों से ये इंडिकेट किया हुआ है। पहला जो है हमारा सॉफ्ट बॉन्ड, सॉफ्ट बॉन्ड कहाँ से आता है, ए से लेकर एच तक के हम लोग सॉफ्ट बॉन्ड डिग्री में मतलब माना गया है, और आई से लेकर पी तक ये मीडियम बॉन्ड के लिए, और हार्ड बॉन्ड जो है वो क्यू से लेकर जेड तक ये इंडिकेट किया गया है। ग्रेन साइज डिनोटेड बाई नंबर, डिनोटेड बाई ये नंबर इंडिकेटिंग, ये जो ग्रेन साइज होता है या जो ग्रिट साइज होता है ये नंबर के द्वारा इंडिकेटिंग किया होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे बॉन्ड को सॉफ्ट बॉन्ड, मीडियम बॉन्ड और हार्ड बॉन्ड को अल्फाबेटिक नंबरों से इंडिकेट किया गया था, यहाँ पे जो ग्रेन साइज होता है, जो ग्रिट साइज होता है एब्रेसिव का, वो हमें नंबर के द्वारा इंडिकेट किया गया है। जो कोर्स है, कोर्स ग्रेन या जो ग्रिट होता है वो 10 से लेकर 24 तक आता है। मीडियम जो ग्रिट होता है वो 30 से लेकर 60 तक आता है। फाइन जो ग्रिट है वो 80 से लेकर 180 तक, 80, 100, 120, 150, 180, ठीक है ये। और जो वेरी फाइन है ये जो वेरी फाइन है देख लीजिए, ये जो 220 और 240, 280, 320, 400, 500, 600 तक ये वेरी फाइन में ये ग्रेन साइज आते हैं। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज एब्रेसिव व्हील इज स्पेसिंग ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स टाइटली नेम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डेंस और एक होता है ओपन, ठीक है। एब्रेसिव व्हील का जो स्पेसिंग होता है एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में, एक होता है डेंस जिससे हम लोग पता चलेगा कि ये डेंस एब्रेसिव है या ओपन ग्रेन्स का ये एब्रेसिव है, ठीक है। डेंस जो होता है, डेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1 से लेकर 8 तक डेंस कहलाएगा और 9 से लेकर 15 तक ये ओपन कहलाएगा। एब्रेसिव व्हील स्पेसिफिकेशन, एब्रेसिव व्हील को हम लोग कैसे स्पेसिफिक, एब्रेसिव टाइप कौन सा एब्रेसिव टाइप का है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन कार्बाइड का है। दूसरा है जो ग्रेन साइज, ग्रेन साइज कैसा है हमारा, कोर्स है या मीडियम है। ग्रेड ऑफ बॉन्ड कौन सा बॉन्ड का है हमारा, विट्रीफाइन बॉन्ड या रबर बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड, सिलेक्ट बॉन्ड, सिलिकॉन बॉन्ड या ऑक्सलराइट बॉन्ड। उसके बाद है स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर का है हमारा, डेंस या ओपन। और बॉन्ड टाइप, ये बॉन्ड टाइप किस तरह का होता है, विट्रीफाइन बॉन्ड है या ये सिलिकॉन कार्बाइड है, इसके द्वारा हम स्पेसिफाई करेंगे एब्रेसिव व्हील का। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। जो हमारा व्हील है, एब्रेसिव व्हील है, उसका जो स्पेसिफिकेशन जो इस तरह किया रहता है, ये जो नंबर आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये नंबर ऐसे वहाँ पे व्हील पे मार्क किया हुआ रहता है, जिसमें हर एक नंबर का एक अलग अलग अपना महत्व है। देख लीजिए, ये पहला जो है यहाँ पे 51, ठीक है,
51 जो है हमारा वो किस में आता है, वो हम लोग 51 को पहले सीक्वेंस प्रीफिक्स में रखते हैं, प्रीफिक्स। ये 51 जो है वो हमारा सीक्वेंस में आता है। मैन्युफैक्चर सिंबल इंडिकेटिंग एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेसिव यूज ऑप्शनल। ये जो प्रीफिक्स हमारा है ये मैन्युफैक्चर जो सिंबल के रूप में ये हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा है जो हमारा ए, जो ये ए दिख रहा है ये ए है, ए से एब्रेसिव टाइप। कौन सा एब्रेसिव है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जो ये आता है 36, 36 वो हमारा क्या है, ग्रेन साइज। ये जो 36 हमारा ग्रेन साइज को दर्शाता है, ग्रेन साइज में हमारा क्या आता है, कोर्स है या मीडियम है या फाइन है। जो मैंने आपको नंबर जो बताए थे, एब्रेसिव जो ग्रेन साइज होता है 8, 8, 10, 12, मीडियम होता है 30, 36, 46, ये सब देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया गया हुआ है, ये लिस्ट में लिखा हुआ है जिससे हम लोग पहचान पाएंगे कि ये 36 जैसे है। तो 36 किस में है, 36 ये मीडियम में है, ये 36 यहाँ पे मीडियम में दिख रहा है, तो ये मीडियम ग्रेन साइज है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एल, एल जो है, एल हमारा क्या है, ग्रेड। कौन सा ग्रेड है, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड या हार्ड ग्रेड। अभी मैंने बताया था ग्रेड जो होता है वो सॉफ्ट ग्रेड में ए से लेके एस तक, ए ई ए बी सी डी एफ जी एच आई जी एच एस तक है, और मीडियम में आई एल एम एन ये जो लिखा गया है पी तक है, और हार्ड जो होता है क्यू से लेकर जेड तक है। तो ये ग्रेड हमारा एल है, एल हमारा ये मीडियम में है, एल यहाँ पे मीडियम में दिया गया है, तो ये हमारा मीडियम ग्रेड हो गया। चौथा जो है हमारा फाइव, जो स्ट्रक्चर को दर्शाता है, स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, कौन सा स्ट्रक्चर, डेंस है या ओपन है। ये जो स्ट्रक्चर जो है 1 से लेके 8 तक डेंस, और 9 से लेके 16 तक ये ओपन है। तो हमारा 5 जो है हमारा डेंस ग्रेड है। नेक्स्ट जो है हमारा ये भी, भी यानी बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप कौन सा है, रिजनाइट बॉन्ड या सेलेक बॉन्ड, रबर बॉन्ड या सिलिकेट बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड। तो ये भी है, भी यानी यहाँ पे ये दिया गया है विट्रीफाइड बॉन्ड। लास्ट है जो है हमारा 23। ये 23 क्या है, ये मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड है, जो मैन्युफैक्चरर प्राइवेट मार्किंग टू इंडिकेट व्हील यूज ऑप्शनल। ये हमारा जैसे पहला जो है तो प्रीफिक्स दिया रहता है, ये है सफिक्स, हम लोग इस तरह को, इसको हम लोग सफिक्स मान सकते हैं। तो ये इस तरह का ये नंबर इंडिकेट किया गया रहता है, जिससे आप लोग समझ पाएंगे इसका स्पेसिफिकेशन। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो आप लोग को समझ में नहीं आया। आशा करता हूँ आप लोग का जवाब कमेंट ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।